इस बार आप एक डायनेस्टी को शुरू करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, जिसका नाम है बृहद्रथ डायनेस्टी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि 6th century BCE से रिलेटेड है, और उससे पहले ये डायनेस्टी थी, उसी को हमको देखना है। इस डायनेस्टी के बारे में छोटे एग्जाम्स में भी आता है, वन डे एग्जाम और PCS लेवल, और यहाँ तक कि UPSC लेवल तक में भी आता है ये क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन खासकर मैथ्स का फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, डेट वाइज वो भी होता है, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट रूलर्स और उनके द्वारा किए गए कुछ काम वो खासकर पूछ लिए जाते हैं, तो उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि नाम से पता चल रहा है बृहद्रथ डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के बारे में हमें सबसे पहले जानना ये जरूरी है, जब भी हम कुछ पढ़ेंगे तो एक चीज जरूर जानेंगे कि हमें उस डायनेस्टी के बारे में या उस रूलर के बारे में किन सोर्सेज से पता चल रहा है, क्योंकि सोर्सेज मैटर करते हैं और सोर्सेज भी कई बार क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं, तो हमको वो सोर्सेज देखना है। तो ऐसे दो सोर्स हैं जिनसे हम इसके बारे में पता लगाते हैं। तो पहला सोर्स है महाभारत। आप सबने महाभारत की कथाएं सुनी होंगी, उसमें पहला सोर्स है महाभारत। महाभारत में बृहद्रथ डायनेस्टी से रिलेटेड एक राजा है जिसकी बात की गई है, और वो है जरासंध, जिसका डिस्कशन हम अभी अगले 2-3 मिनटों में करेंगे। और दूसरी बात का दूसरा सोर्स है वो है पुराण। हमारे ग्रंथों में कुल मिलाकर 18 पुराण और 18 ही उप पुराण है, तो उन्हीं में से पुराणों में भी बृहद्रथ डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में बताया है। एक चीज जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि कई सारे हम बुक्स को पढ़ते हैं, यहाँ तक कि स्टैंडर्ड बुक्स को, उसमें भी इस डायनेस्टी के बारे में देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये जो दो सोर्सेज हैं इसको वो प्रमाणित नहीं मानते, और प्रमाणित नहीं मानते हैं इसलिए इस डायनेस्टी का जिक्र नहीं मिलता है। और वे लोग पढ़ाते हरियंका डायनेस्टी से सीधा, हरियंका डायनेस्टी। तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे, बृहद्रथ डायनेस्टी। सो इसके जो फाउंडर थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की, वो थे किंग बृहद्रथ। किंग बृहद्रथ फर्स्ट रूलर थे बृहद्रथ डायनेस्टी के। इनकी जो माता थी उनका नाम था गिरिका, इनकी माता का नाम था। और इनके पिता जो कि चेती नरेश थे, चेती 16 महाजनपद थे, उसी में से एक महाजनपद था चेती, उसके नरेश थे, उनका नाम था वसु। और इन्हीं लोग ये संतान थे बृहद्रथ। बृहद्रथ डायनेस्टी स्टार्ट की थी। देख लेते हैं कि टोटल कितने रूलर्स हुए थे इस डायनेस्टी में। तो इस डायनेस्टी में टोटल 24 रूलर्स हुए थे। दो रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहले बृहद्रथ और दूसरे इनके पुत्र, और इनके पुत्र हैं जरासंध। ये जो जरासंध आपको दिखाई दे रहे हैं यही है इनके पुत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द बृहद्रथ डायनेस्टी इज जरासंध। अब हम बात करते हैं जो ये चेली नरेश वासु थे, इनके कितने पुत्र? तो इनके 5 पुत्र थे, इनके टोटल 5 पुत्र थे। उनमें तो सबसे बड़े थे वो थे बृहद्रथ, और इसीलिए इनको राज्य का कार्यभार और राज्य का शासन व्यवस्था चलाने के लिए सौंपा गया था। हमारे यहाँ ये व्यवस्था भी थी पुराणों में, खासकर ऋग्वेद में, कि राजा का जो बड़ा बेटा होता था वही उत्तराधिकारी होता था, वो पहले युवराज बनता था और बाद में राजा बनता था। तो इसी प्रथा का पालन करते हुए सबसे पहले बृहद्रथ को वासु ने बनाया। और जो ये जो नाम है बृहद्रथ का, ये ऋग्वेद 4 वेद हुए हैं, उनमें सबसे जो पुराना सबसे ओल्डेस्ट है वो है ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में बृहद्रथ का वर्णन मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है और पूछा भी जाता है। अकॉर्डिंग टू द विष्णु पुराण 18 पुराणों में से एक पुराण है भगवान विष्णु के ऊपर, इसमें बोला गया है कि ये डायनेस्टी 1000 वर्षों तक भारत पे शासन की थी, भारत के एक क्षेत्र पर, उत्तर भारत का, खासकर वो क्षेत्र का मगध वाला क्षेत्र, वहां पे। मगध को हम देखेंगे तो ये मान लेते हैं हम इंडिया है, तो यहाँ पे बिहार है, बिहार में वाला क्षेत्र मगध था, यहीं पे इनका शासन था। और सक्सीड करेंगे बृहद्रथ को उनके पुत्र जरासंध,
और जरासंध मगध के एक प्रतापी राजा के रूप में उभरते हैं और इनकी सेना में एकलव्य नाम का एक महान धनुर्धर भी था जिनने अर्जुन तक को चैलेंज किया था। वो एकलव्य इन्हीं की सेना में थे और इसी मगध के एरिया में थे। इतना पावरफुल ये हो गया था कि भगवान कृष्ण को खुद इनको हराने के लिए मैदान में आना पड़ा था। उन्होंने भीम भीम की सहायता की थी, उनको कहा था कि ऐसे इस तरीके से फेंको उसको। इनके बारे में जान लेते हैं जो कि एग्जाम्पल में थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल रूलर ऑफ द बृहद्रथ डायनेस्टी वाज जरासंध। जरासंध कितना इंपॉर्टेंट है और ये बृहद्रथ के पुत्र थे जैसा कि मैंने बताया था। और एक चीज इनके बारे में जानने वाली है, भले ही खलनायक के रूप में प्रसिद्ध हो महाभारत में, पर भगवान शिव के उतने ही बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे भगवान शिव के। और अब एक चीज जानने वाली है, 24 तीर्थ और सबके बारे में नहीं पूछा जाता है और सबको याद भी नहीं रखना। तो अब हमें देखना है कि इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे। तो इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे रिपुंजय। और इनको इन्हीं के एक मिनिस्टर जिनका नाम था पुलिक या पुलिका, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, उन्होंने ही मार दिया था। आगे हम भविष्य में पढ़ेंगे अलग अलग डायनेस्टी में कि कई सारे मिलिट्री कमांडर्स जो बहुत पावरफुल हो जाते थे वो अपने ही महाराज को मार देते थे, उनको सत्ता से हटा देते थे। तो उसी में से एक ये पुलिक थे जिन्होंने रिपुंजय को मार के बृहद्रथ डायनेस्टी खत्म की थी। और बृहद्रथ डायनेस्टी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के वक्त ही खत्म हो गई थी। अगले वीडियो में हम अगली डायनेस्टी इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे और वो डायनेस्टी में बृहद्रथ डायनेस्टी उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।